ये व्यवस्था की है, ये ओ मानव सेवा समिति ने की है, इनके ग्रुप ने सभी लोगों को बुलाया है। अगर हम कंटिन्यू रूटीन से योगा करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। उन्होंने इस कोरोना महामारी में लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य करे हैं, उन सबको आज हमने इस मंच पर इकट्ठा करके बताया, विशेष तौर पर उनको बुलाया आम मंत्री की तरह, वो सभी नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ पर आए और उनको हमने प्रदर्शन पत्र दिए, उनका सम्मान करा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कस्बे की पंजाबी धर्मशाला, राजीव गांधी पार्क व देवीलाल खेल स्टेडियम में योग आसन किए। योगा समाप्ति पर कोरोना काल के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं को सोना की समाज सेवी संस्था ओम मानव सेवा समिति के पदाधिकारियों ने कोरोना योद्धाओं का हौसला अफजाई करने के लिए कस्बे में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाने वाली सामाजिक संस्थाओं और समाज सेवियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए आमंत्रित कर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना काल में जो शहर की 30-32 संस्थाएं काम कर रही थी, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य करे हैं, उन सबको आज हमने इस मंच पर इकट्ठा करके बताया और उन सभी का हमने सम्मान करा। लगभग 32 संस्थाएं हमारे इस सोना शहर और आसपास जो कार्य कर रही थी, उनको हमने सबको बुलाया और सभी संस्थाएँ 32 की 32 संस्थाएँ यहाँ पर आई। इसके अलावा नगर परिषद सोना से लगभग 15 लोग टीम थी, जिन्होंने सोना शहर को सैनिटाइज करा और यहाँ जो कोरोना काल में डेड बॉडी थी उनका उन्होंने दाह संस्कार करा, जिनकी अब तक अनदेखी हो रही थी और जिनका कहीं आज तक जिक्र भी हो पा रहा था, ना कहीं नाम आ पा रहा था, तो इस बात को बड़ा महसूस करते हुए हमने विशेष तौर पर उनको बुलाया, आमंत्रित करा, वो सभी नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ पर आए और उनको हमने प्रशंसा पत्र दी, उनका सम्मान करा, ताकि सबको ये पता चले कि जो वास्तव में जो मेहनत का कार्य करा, समाज सेवा का कार्य करा, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, बड़ी भूमिका थी। इस सम्मान समारोह के दौरान कस्बे की पढ़ी लिखी बेटी, एमफिल की हुई बेटी एडवोकेट सीमा डागर को कस्बे के मौजूद लोगों ने प्रशंसा पत्र दिया और अपील करते हुए कहा कि आगामी नगर परिषद चुनाव में वो चेयरपर्सन के लिए अपने आप को प्रपोज करें, क्योंकि सोहना नगर परिषद को एक ऐसी पढ़ी लिखी और ईमानदार निष्पक्ष चेयरपर्सन की जरूरत है जो नगर परिषद में विकास कार्य कराने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। इस मौके पर एडवोकेट सीमा डागर ने मौजूद लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर कस्बे के लोगों को मेरे से इतनी उम्मीद करते हैं और मेरे ऊपर इतना विश्वास जताते हैं तो मैं कस्बा वासियों की उम्मीद को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। कहा कि अब मैं नगर परिषद की जनता से विषय पर लोगों की राह लूं, अगर परिषद वासियों का सहयोग व प्यार मुझे मिला तो मैं परिषद के चहुमुखी विकास के लिए चेयरपर्सन के लिए चुनाव लड़ूंगी और अगर लोगों ने मुझे जीत दिलाई तो मैं परिषद का भरपूर विकास करने की कोशिश करूंगी। मैं एडवोकेट सीमा डागर, समाज सेवी सोहना से, और आज यहाँ पर 7वां इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया गया है और उसमें शहर की सभी संस्थाओं को, जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है या फिर सोशल धरातल पर जो भी काम कर रही हैं, उन सभी संस्थाओं को यहाँ पर बुलाकर और जो लोग इंडिविजुअल भी जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बुलाया गया है और उन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर जो ये व्यवस्था की है, ये ओ मानव सेवा समिति ने की है, इनके ग्रुप ने सभी लोगों को बुलाया है और सबको योगा कराया है, उनको सुबह जल्दी बुलाया, सब लोगों ने योग किया और उसके बाद सबको एक अच्छा फूड दिया खाने के लिए और फिर यहाँ पर प्रशंसा पत्र बांटे गए। और आज मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि योग करें और निरोग रहें, क्योंकि योगा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम कंटिन्यू रूटीन से योगा करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, और जब इंसान का तन और मन स्वस्थ हो तो वो समाज के लिए हमेशा अच्छा कार्य करता है और समाज प्रोग्रेस करता है। और जो जैसे कोरोना काल की बीमारी चली, कोरोना काल चला हुआ था और लोग इतने अस्वस्थ हुए, काफ़ी लोग मरे, अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता तो शायद हमारे इतने लोग नहीं मरते और हम लोग बीमार नहीं पड़ते। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, रोज योग करें और स्वस्थ रहें, खुद स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और समाज को स्वस्थ रखें। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।